बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत मामले में एक नई जानकारी सामने आई है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 13 से 15 अगस्त के बीच 24 मौतें हुई। इस दौरान 265 लोग भर्ती हुए थे। जी न्यूज से बात करते हुए प्रिंसिपल पीके सिंह ने कहा कि 4 अगस्त से 12 अगस्त के बीच लिक्विड ऑक्सीजन नहीं मिली। उन्होंने ये भी माना कि लिक्विड ऑक्सीजन का टैंक 4 या 5 दिन में खत्म हो जाता है, यानी 4 को भरा गया टैंक 8 या 9 अगस्त को ही खाली हो गया था और 12 तक खाली रहा। साफ है कि पुष्पा सेल्स ने सप्लाई रोकी थी, जबकि पुष्पा सेल्स ने सप्लाई नहीं रोकने का दावा किया था। अभी अभी हमारा कल ही टैंकर आया है फुल है, मतलब वी आर इन स्टोर अराउंड फॉर 7 डेज। कितने दिनों में आप टैंकर फिल कराते हैं? 4/5 डे टैंकर आता है। सिलेंडर भी करीब 250-300 के लगभग है, 24 घंटे का सिलेंडर का बैकअप भी है। पुष्पा सेल्स ही अभी भी आपके यहाँ लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है या कोई और एजेंसी से करा रहे हैं? पुष्पा सेल्स ही कर रही है। तो उनको 7-8 तारीख को दोबारा से फिल करना था, तो वो क्यों नहीं फिल, उन्होंने फिल नहीं किया था या आपने कम्युनिकेट नहीं किया था, क्या इशू था? वो कह रहे हैं कि गैस सप्लाई मैंने बंद नहीं की। वो कह रहे हैं हमने बंद नहीं करी। क्या है, 4 के बाद 11 को भरा जा रहा, तो 7-8 दिन का गैप हो गया। आप कह रहे हैं 5-4-5 दिन में भरना पड़ता है, तो क्या उन्होंने रोक दिया था? सप्लाई कहाँ रोकी? सप्लाई रोक दी थी उन्होंने कि हम नहीं देंगे। नहीं, सप्लाई में डिले हुआ है। सप्लाई में डिले हुआ या रोकी गई? वही बात है। अब वो उस दिन का मुझे नहीं मालूम है कि क्या हुआ है, लेकिन सप्लाई उस दिन नहीं रही होगी। उसके बाद फिर तो 12 तारीख को रात में भरा गया ना सिलेंडर। आठ दिन 4-5 दिन में भरा जाना चाहिए। तो 4-5 दिन का मतलब 4 तारीख के बाद 7 या 8 तारीख को उनको फिल करना था, जो उन्होंने नहीं किया। इसका मतलब यही तो मतलब हुआ इसका। अभी इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है।